बीजेपी के महाधरना पर आरजेडी नेता श्याम रजक का हमला, बीजेपी को खुद प्रायश्चित करना चाहिए। श्याम रजक ने कहा बीजेपी ने देश के साथ विश्वासघात किया है, ये देश गांधी का है सावरकर का नहीं, ये कहना है श्याम रजक का। सर क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव शपथ लेने जा रहे हैं, नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं और बीजेपी बड़ा एक धरना कर रही है। नेता महागठबंधन के से नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने, तमाम विधायकों ने चुना है। अब नेता का काम है कि कौन कौन लोग शपथ लेंगे कौन नहीं लेंगे, उनका काम है चयन करना, ये हम लोग का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात दिवस मना रही है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो देश के साथ विश्वासघात करने वाले लोग अगर विश्वासघात दिवस मना रहे हैं उनको प्रायश्चित करना चाहिए और अपने कामों में और अपने विचारों को बदलना चाहिए। ये देश गांधी का है, ये देश लोहिया का है, ये देश भगत सिंह का है, चंद्रशेखर का है, अशफाक उल्ला का है, ये देश सावरकर और बाला साहेब देवरस का नहीं। वो कह रहे हैं 2020 में, एक आखिरी सवाल, 2020 में नीतीश को जो बहुमत मिला था वो भाजपा के साथ मिला था, मैंडेट का विरोध किया है नीतीश, और इसके पहले किसके मैंडेट, मैंडेट जनता देती है, जनता अपने सवालों को लेकर उस मैंडेट के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।